अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल अस्मास किचन। अस्मास किचन में आज हम बनाएंगे ईरानी चिकन, जिसके लिए मैंने एक बॉल ले लिया। हमारे पास है 1 किलो चिकन, इसको मैंने क्लीन करके रख लिया था। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सिरका, 1 टेबल स्पून साल्ट, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून धनिया जीरा पाउडर, और हमारे पास ये है फूड कलर, जिसको हम थोड़ा सा लगाएंगे। अब हम इसको मिला रखना है, इसको आधे घंटे के लिए हम इसको रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। आधे घंटे के बाद हम इसको पकाएंगे। अब हमने अपने चिकन को चूल्हे पर रख दिया है पकने के लिए। हमारा चिकन पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे इस टाइम पे 1 टेबल स्पून टमाटो सॉस, 1 टेबल स्पून और इसको 5 मिनट या 2 मिनट पकने के लिए रख देंगे। हमारा पैन गरम हो गया। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप ऑयल, 1 तेज पत्ता और 7 गरम मसाला। डालेंगे ऑयल गरम हो गया, करी पत्ता और कटी हुई 4-5 हरी मिर्चा, ईरानी गरम मसाला है ये, हम लास्ट स्टेप पे डालेंगे। और 1 टेबल स्पून लेमन जूस, 1 टेबल स्पून दम पे रख देंगे। हमारा चिकन रेडी है, ईरानी चिकन। देखिए हमारा ईरानी चिकन रेडी है। ईरान की बहुत ही फेवरेट डिश है। जब मैं तहरान गई थी वहाँ पर मैंने होटल्स में इसको देखा, मैंने भी खाया तहरान में। बहुत ही टेस्टी डिश है। इसको रोटी पराठे या नान के साथ खा सकते हैं आप भी। ज़रूर रमज़ान में इसको बनाइए, खाइए। दुआओं में आसमां को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।